नॉलेज हिंदी में को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। हर्बर्ट डेविड लेवर के नाम से भी पहचाने जाने वाले डॉक्टर हर्बर्ट लेवर का जन्म 19 जून 1934 को अमेरिका में हुआ। अमेरिकी मनोचिकित्सक और मादक द्रव्य के सेवन पर शोध करने वाले डॉक्टर हर्बर्ट येल यूनिवर्सिटी में 1968 से 1990 तक मनोचिकित्सा के प्रोफेसर भी थे। हर्बर्ट ने अपनी पढ़ाई थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी से पूरी की। येल यूनिवर्सिटी में उन्होंने ड्रग डिपेंडेंट यूनिट की भी स्थापना की। हर्बर्ट ने व्हाइट हाउस में 2 वर्षों तक काम किया, जिसमें वह नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी के कार्यकाल में डिमांड रिडक्शन के लिए डिप्टी डायरेक्टर थे। नशीले ड्रग से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए हर्बर्ट ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर सन 1992 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में मादक पदार्थों के सेवन विभाग की स्थापना की। निदेशक के रूप में काम करते हुए हर्बर्ट ने नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों के इलाज के लिए बहुत से शोध किए और साथ ही कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने जोसेफ कैलिफोर्निया के साथ मिलकर नेशनल सेंटर ऑफ एडिक्शन एंड सब्सटेंस अब्यूज की स्थापना की। अपने संपूर्ण जीवन में नशे की लत और इसके उपचार के लिए उन्होंने कई शोध किए। अमेरिका और न्यूयॉर्क में वेस्ट डॉक्टर की लिस्ट में डॉक्टर हर्बर्ट का नाम भी शामिल हुआ करता था। डॉक्टर हर्बर्ट लेवर की मृत्यु 84 वर्ष की आयु में 5 अक्टूबर 2018 को हुई।